देख सकते हैं गाइस, बाबू सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। तो हाय हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा दूसरे न्यू ब्लॉग पे। तो गाइस आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, घर में कुछ स्पेशल हो रहा है आज। तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग पे बनते रहिए, आपको पता चल जाएगा आज घर में क्या स्पेशल हो रहा है। देरी ना करते हुए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ऐसे दीवार पे गोबर लगा रहे हैं। तो हाय हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दूसरे ब्लॉग तो नहीं मतलब सेकंड है आज। तो मतलब कल को ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि कल गला खराब हो गया मेरा। तो कल घर में बहुत सारा काम था, इसकी वजह से मतलब ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बना पाए। तो कल बाबू का सर मुंडन हुआ, बाबू नहीं, वो हम मामू हैं, मतलब उसके मामू हैं हम, तो भांजा है बट हम बाबू बाबू ही बोलते हैं। तो उसका सर मुंडन हुआ, तो जीजा लोगों के घर में नहीं हुआ, हमारे घर में ही हुआ। तो मतलब सारा काम का जो बोझ था वो हमारे सर पे आ गया। तो बहुत सारा काम था, बहुत सारा काम किया, तो इसी वजह से ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पाए। तो कल का आज का एक ही दिन में आएगा, तो देखते हैं आज क्या क्या होता है। मेहमान सब अभी भी है घर में। मरंग सुंदर लेते तो गाइस सुबह से अभी जाकर खा रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं खाने के लिए। और इस तरफ देख सकते हैं जीजा जी खा रहे हैं, मतलब टाइम अभी 11:30
35 हो गया है तो अभी जाके खाने का टाइम मिल रहा है, इतना बिजी सुबह से। देख सकते हैं गाइस बाबू सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। मुंह हिला रहा है। देख सकते हैं इस तरफ मछली फ्राई चल रहा है। भैया उस तरफ मछली फ्राई कर रहे हैं और मैं इस तरफ भात बना रहा हूँ। ये रहा चावल, अभी जीजा जी पानी लाने के लिए गए हैं, अभी धोएंगे फिर चावल पकाएंगे। इतना गर्मी लग रहा है और ये आग के पास खड़ा होना बहुत मुश्किल है। हम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। लेटो हटो करना टीके खाली रंगटा आसु एका सहित सब पकईदे भी हम आलू फ्राई कर रहे हैं। हम तीनों ने इतना मेहनत करके बनाया और सब लोग खा चुके हैं घर के, हम ही लोग लास्ट में खा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये रहा मछली और ये आम का खट्टा।